हाय गाइस, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारी साड़ी को पहनना कैसे है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी साड़ी, ये मेरी विदाई की साड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे भारी साड़ी और कोई हो ही नहीं सकती। ओवरऑल साड़ी में ऐसा वर्क है और ये जरी का वर्क है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहनना है इसे। तो यहाँ पे मैं साड़ी का वो पार्ट निकाल रही हूँ जो पेटीकोट में टक किया जाता है, और जैसे पेटीकोट में एक जगह चीरा लगा होता है तो उसको भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो इस साइड बाई साइड दिखता नहीं है वो। तो यहाँ मैंने अपनी साड़ी लपेट ली है और उसके बाद अब मैं वो सारे एरिया देख रही हूँ जो कि मतलब मुझे कहाँ से पल्लू बनाना है, कहाँ से अंदर की ओर प्लीट्स वगैरह बना के टक करना है। और अगर आपको जैसे साड़ी पे हील्स वगैरह पहननी हो तो आप पहले से ही पहन लो, बिकॉज़ बाद में क्या होता है ना, साड़ी ऊंची हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना पल्लू बना रही हूँ। पल्लू के प्लीट्स नॉर्मल जैसे नीचे के प्लीट्स होते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं, और बनाने के बाद जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ऐसे पकड़ा, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे सही करूँगी तो हर जगह से प्लीट्स जो हैं वो सही हो जाते हैं। और पहले मैं सोचती थी कि लोग पल्लू क्यों बनाते हैं, अब मुझे समझ में आया कि पल्लू इसलिए शायद बनाते हैं ताकि नीचे से आप देखोगे ना, जब आप वैसे साड़ी पहनो और फिर पल्लू बनाओ तो वो ढीला ढीला लगता है थोड़ा, वो एक अच्छा शेप नहीं आ पाता। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर आप पल्लू बनाओगे, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपका क्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं जब भी पल्लू पहले बनाती हूँ तो मेरी साड़ी बहुत अच्छी बनती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सरकाती जा रही हूँ साड़ी अपनी, और यहाँ पे मैं इस पल्लू में अपनी जो है वो पिन लगा ली है मैंने। अभी ब्लाउज और पल्लू को पिन नहीं किया, सिर्फ पल्लू को पिन कर लिया है ताकि वो सिक्योर रहे, इधर उधर हटे नहीं। और मैं हमेशा एक पल्लू में ही पिन लगा के रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि अगर आपको कभी बीच में साड़ी खोलनी पड़ गई तो ये ना हो कि आपको पूरी साड़ी खोलनी पड़ जाएगी, तो फिर बहुत ज़्यादा इजी वे होता है ये। आप कहीं भी बैठे उठे हो, कहीं गए हो, आपको साड़ी बिगड़ने का आपका खतरा नहीं होता। और अगर आपकी साड़ी बाय चांस बिगड़ भी जाती है तो आपको फिर से पल्लू 10 घंटे बैठ के बनाने नहीं पड़ते, बस बहुत आसान तरीका है। इसी तरह मैंने प्लीट्स भी बना ली है, और प्लीट्स को भी मैं पहले नीचे से फिर ऊपर से मैं इसी तरीके से बराबर करती जा रही हूँ। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो पल्लू एक जो प्लीट्स है एक जगह पर फंसी रहती है, वो बिखरती नहीं है। तो प्लीट्स बनाने के बाद आप अच्छे से उसको पहले ऊपर से फिर नीचे से आप बराबर से मतलब अपने प्लीट सुधार लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया। और बहुत लोग जैसे पिन वगैरह लगाते हैं, तो अगर आपको भी पिन लगाना हो तो आप लगा सकते हो ताकि आपके प्लीट्स जो हैं इधर उधर ना जाएँ। पिन आपको अंदर के साइड में हमेशा लगानी है, बाहर से लगाओगे तो वो दिखेगी अच्छी नहीं लगती। तो मेरा यहाँ पे प्लीट्स भी बन गया है, पल्लू भी बन गया है, और आप देख रहे हो कि मैं फिर से अभी थोड़ा थोड़ा और खींच रही हूँ कि अगर कहीं पे लूज वगैरह आया हो तो हो जाए सही। और इसका बॉर्डर जो है ना, इस साड़ी का इतना ज़्यादा चौड़ा है, फिर भी मेरी साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। अकेले मैंने साड़ी पहनी है, और मैं आपको बोलूँ कि शादी के भले 3-4 साल हो गए हो, मैं कभी भी साड़ी नहीं पहनती हूँ, ससुराल में साड़ी पहनती हूँ, और इस बार ही मैं साड़ी सबसे ज़्यादा मैंने पहनी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरा पल्ला भी लग गया है बहुत अच्छे से, और साड़ी भी नीचे से काफ़ी अच्छी बन गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है इतने जरी की साड़ी में और इतनी हैवी साड़ी के लिए। अब मुझे पल्ला भी लगाना है, मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। तो पल्ला मुझे चूंकि ऐसे लेना है, तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देती हूँ। सेफ्टी पिन बहुत छोटी सी लेनी है। सेफ्टी पिन को आपको लेस वाले बॉर्डर में लगाना है अंदर के साइड में, और अगर लेस वाला कुछ बॉर्डर नहीं है तो आप नॉर्मल कपड़े में भी लगा सकते हो, बट आई थिंक लेस वाला बॉर्डर रहता है, और ये इसलिए ताकि अगर साड़ी थोड़ी सी भी नुचे तो वो बॉर्डर वाला ही साइड हो, वो आपकी मेन साड़ी ना हो, अदरवाइज इतनी महंगी साड़ी फट जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने सर पे रख के आपको जिस तरीके का ऊंचा बॉर्डर चाहिए, मतलब ऊंचा आपको पल्लू चाहिए और नीचा चाहिए, मतलब कितना आपको घूंघट करना है आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे कर दिया है, और मेरा थोड़ा सा जो ये साड़ी है ना, ये जैसे किनारा जो है इसका वो बहुत कड़ा है, इस वजह से थोड़ा उठ जा रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं किया बिकॉज मुझे कोई घूंघट तो करना नहीं है, मुझे बस आप लोग को दिखाना है। तो मेरा मेकअप वगैरह कैसा था ये प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मैंने बस आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है, अदरवाइज़ इतनी गर्मी में दुल्हन बनना वो भी बिना किसी ओकेज़न के।
कुछ क्या मैं बोलूँ, अब आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये लुक मेरा। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने इतना मतलब घूम टहल भी लिया है और अभी तक मेरा ये ऊपर नहीं गिरा है और मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। अदरवाइज़ इतना मैं अगर हैवी आपको पल्ला संभालना हो तो बहुत ज़्यादा गिरता रहता है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहें तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कारगर है ये। और मैं फ़ोटो सेशन के लिए आई हूँ। गाइज ये था मेरा वीडियो और आप लोगों ने देखा कि मैंने छत पे इतना कूद फांद किया फिर भी ये मेरे सर से नहीं गिरा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक बिगनर हूँ तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं वो आप लोग को बता रही हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। तो बस आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर।